पाथरवाड़ा में गणेश प्रतिमा विसर्जन पर तालाब में युवक के डूबने से मौत हुई। मुलना स्टेडियम के समीप दीन दयालपुरम चौक में ब्रेकर लगाए जाने वार्डवासियों ने की मांग। मंजू उइके एवं जमील कुरैशी को गिरफ्तार कराने सड़क पर उतरी सैकड़ों ग्रामीण जनों की भीड़। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पाथरवाड़ा में सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति की गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक युवक संजय की तालाब में डूबने से मौत हो गई। होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम ने खोज कर बाहर निकाला। पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर जांच शुरू कर दी है। मुलना स्टेडियम के समीप दीनदयालपुरम चौक में काफी एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे स्थानीय युवाओं ने रोष व्यक्त करते हुए इस रोड में वाहनों की रफ्तार में कमी लाए जाने और ब्रेकर लगाए जाने की मांग की है। यहां ज्ञात हो कि गत एक माह पूर्व रात्रि के समय एक जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें दो मवेशियों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। वहीं दो मवेशियों को गंभीर चोटें लगी थीं और आज दोपहर में तेज रफ्तार वाहन के कारण एक युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। जिस प्रकार से यहां दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसको देखते हुए इस रोड में ब्रेकर बनाया जाना चाहिए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। यहाँ के सभी बच्चे लोग स्कूल वाले जाते हैं, मोहल्ले के लोग जाते हैं, तो जिसके कारण क्या है, यहाँ पे ब्रेकर बनना अति आवश्यक है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे घटनाएं हो रही है। इससे पहले कुछ समय पहले आपने सभी देखा होगा टीवी चैनल में यहाँ पे ऐसे मर गए थे और पशु मर गए थे, तो उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा पाते, कि मैं आवाज़ उठाना चाह रहा हूँ कानून की तरफ से कि यहाँ पे नगर पालिका के महोदय के द्वारा यहाँ पे ब्रेकर बनना अति आवश्यक है। तो इसमें नगर पालिका महोदय इतनी सी कोशिश करे कि यहाँ नगर पालिका महोदय यदि कोशिश करे कि ब्रेकर बनाया जाए यहाँ पर, क्योंकि बच्चे लोग स्कूल और जाते हैं यहाँ से। बस यही बात थी, और हमारे सभी युवा साथी लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, मांग रखे हैं कि यहाँ ब्रेकर बनना अति आवश्यक है। गत दिवस मंजू उइके और उसके पति जमील कुरैशी द्वारा पीड़िता एवं उसके परिजनों को जबलपुर में सिलाई सिखाने एवं नौकरी दिलाने का झांसा देकर ले जाने के बाद पीड़िता को जयपुर राजस्थान से जाकर विक्रम होटल में रखकर अश्लील कार्य कराकर पीड़िता को बेचने के आरोप में लामता थाने में पीड़िता द्वारा कराए FIR के मामले को लेकर आज मोते गाँव के सैकड़ों आदिवासी महिला पुरुषों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने और उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करने हेतु थाना प्रभारी PS डामोर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जी मेरे को है तो मंजू उइके ने जबलपुर ले जाने के बदले है तो जयपुर ले गए, और वहाँ पे उसके रिश्तेदार मतलब खुलेरे मुझसे रिश्तेदार थे, वहाँ पे मुझे बेच कर आ गई और बोली कि तू दो तीन दिन खींच कर रख, हम तो फिर वापस ले जा लेंगे। तो मैंने बहुत वेट की लेकिन वो नहीं आए, 15 दिन हो गया था। एक दिन कॉल की तो फ़ोन ही नहीं उठाया, दूसरा पर दिन की तो नहीं उठाया, तीसरे दिन लगे तब उठाए तो कॉल, तब बोले, मैंने बोली अगर तुम लोग नहीं आओगे तो तुम्हारे ऊपर मैं केस कर दूँगी, यहाँ से भाग जाऊँ। हमें चाहते हैं कि आज ये बच्ची के साथ में इतना बड़ा घटना घटित हुआ है, मंजू के उइके के ऊपर में सशक्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये यहाँ पे दो अपराधी करके बताया गया, एक पुरुष एक महिला है। ये दोनों ने इसको जबलपुर ले जाएंगे बहला पुसला करके, जयपुर लेकर के किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया और 15 दिन तक इस बच्ची का शोषण होता रहा। जब बच्ची ने आना चाहा तो बच्ची को धमका धमकू करके पहले किसी को नहीं बताने की बात रखी, लेकिन बच्ची घर आई और उसने गांव वालों को बताया, तब जाकर आज सारे ग्रामीण जन इकट्ठा हुए। मुजरिम को पुलिस ने अरेस्ट कर ली है, दोनों के ऊपर FIR में जो धाराएँ वो आपको TI साहब ने बता दिया है। प्रश्न ये, कानून की दृष्टि से वो उसके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई करने के लिए तैयार है। ग्राम मोते गांव के एक रिपोर्ट हुई थी थाना लामटा में,
उसके अनुसार यहाँ पे एक थाना लामता के रहने वाली मंजू एवं उसका पति जमील कुरैशी, ये दोनों लड़की नाबालिग लड़की को बाला फुसला कर सिलाई सिखाने के लिए जबलपुर ले गए थे। जबलपुर सिलाई से नहीं सिखा कर ये सीधे जयपुर ले गए, जिसकी रिपोर्ट पर से थाना लामता में अपराध क्रमांक 115/23 धारा 363 367 ए 376 2N 34 एवं पास्को एक्ट की विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कार्यरत ट्रायसम हैंडपंप मैकेनिकों द्वारा नियमित किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर पीएचई कार्यालय के समक्ष 4 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यह हड़ताल 30 सितंबर को भी जारी रही। 26 दिनों से कर्मचारियों द्वारा मांगों को लेकर की जा रही हड़ताल स्थल पर अब तक कोई भी संबंधित विभाग का जिम्मेदार अधिकारी व स्थानीय जनप्रतिनिधि इनकी सुध लेने नहीं आया है, ना ही शासन प्रशासन द्वारा मांगों पर अमल किया जा रहा है, जिससे ट्रायसम हैंडपंप मैकेनिकों ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को धरना स्थल पर बुलाकर दूध पिलाकर अनोखा प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। दिनांक 4/9/23 से आज तारीख 29 तक न शासन से कोई अधिकारी पहुंचे हमारे पास और न हमारे कोई सब इंजीनियर हो, SDO हो, हमारे को यहां तक देखने तक नहीं पहुंच रहे हैं कि ये बैठे हैं 4 तारीख से। आगामी कदम आने वाले टाइम यानी कि 1-2 तारीख में यहां पर जो है एक कार्यक्रम किया जाएगा, बहुत नया होगा। अपने हिसाब को दूध भी पिलाएंगे यहां पर बुलवा करके, यहाँ पे नया कार्यक्रम होगा, वो एकदम आज तक के किसी ने नहीं किया होगा, वो होगा यहाँ पर। नगर के अंबेडकर चौक स्थित धरोहर जंक्शन पर 6 वर्षों से खड़ी बोगी को रेल का इंजन मिल गया है। इस इंजन को जंक्शन पर लाने का निर्णय शनिवार को पुरातत्व संग्रहालय में आयोजित हुई जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिसर की बैठक में लिया गया है। यह इंजन बिलासपुर से 1 माह के भीतर लाया जाएगा। इससे पूर्व संग्रहालय के ही परिसर में धरोहर जंक्शन पर एक प्लेटफॉर्म का निर्माण इस सप्ताह में प्रारंभ करने के निर्देश DTPC के अध्यक्ष डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पहले यह इंजन 24 लाख रुपए की कीमत पर मिलने वाला था, लेकिन जन सहयोग से अब यह इंजन निशुल्क प्राप्त होगा। इंजन प्राप्त करने के संबंध में सभी कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है।